नमस्कार सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो फाइनली बिहार बोर्ड ने इंटर एडमिशन सत्र 2021-23 का यहां पर जारी कर दिया है, यानी कि मैट्रिक पास छात्र एवं छात्राओं ने जो यहां पर इंटर में एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किस डेट से किस डेट तक जो यहां पर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, यहाँ पर लास्ट डेट भी बिहार बोर्ड द्वारा जो यहाँ पर जारी कर दिया, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना फीस लगेगा, सारा जानकारी को जो इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाई स्टेप जो है विस्तार से मैं बताने वाला, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अपने फोन में कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च टाइप में लिखना है biharhelp.in, लिखकर जो आप लोगों की सर्च कर देना है और डेस्कटॉप साइट को जो है टिक कर लेना है। जैसे क्या करना है, ऊपर की तरफ जो है स्क्रॉल डाउन कर देना है, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में जो आप लोग को आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर जो आप लोग को क्लिक कर देना है, OFSS बिहार इंटर एडमिशन, इस पर जो आप लोग को क्लिक कर देना है। और आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर स्क्रॉल डाउन जो है कर देना है। जैसे आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पर सारा का सारा जो है पोस्ट किया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना फीस लगेगा, यहाँ पर सारा का सारा जो यहाँ पर पोस्ट किया गया है, लिंक वगैरह सारा का सारा जो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। आप लोग को सबसे पहले जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से जो यहाँ पर पढ़ लेना है। जैसे आप लोग क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, सत्र 2021-23 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए जो यहाँ पर आवश्यक सूचना जो यहाँ पर जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे जो है आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़े तथा OFSS वेबसाइट यानी कि www.ofssbihar.in से जो है यहाँ पर आप लोग को कॉमन एक एप्लीकेशन जो है जारी किया जाएगा बिहार बोर्ड द्वारा, उस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर उसे पूरा पढ़े और उसके बाद ही आप लोग ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यार्थी स्वयं जो है यहाँ पर जिम्मेवार होंगे, यहाँ पर साफ साफ बताया गया। अब चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि इसका लास्ट डेट जो यहाँ पर कब तक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि एतद द्वारा राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे जो है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट OFSS सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरमीडिएट कक्षा में जो केंद्रीय राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक समक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ऑनलाइन नामांकन किया जाना है। इन उच्च माध्यमिक विद्यालयों महाविद्यालयों में नामांकन के लिए दिनांक 19/6/2021 से 28/6/2021 तक जो है ऑनलाइन आवेदन करने की जो यहाँ पर तिथि निर्धारित की गई है, यानी कि 19 जून से जो है आप लोग का जो है इसमें आवेदन स्टार्ट होगा जो यहाँ पर 28 जून तक जो यहाँ पर चलेगा। इसी के बीच में जो है आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। और पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट तो 5 सेकंड में .net के साथ करो ना आउट, बस अपने सवाल का फोटो खींचो, करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, महाराष्ट्र या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से बढ़ भी IIT, JEE, NEET का सवाल हो, सभी सवालों का वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे .net ऐप पर। इसके साथ ही .net पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और .net ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इंटरमीडिएट की कक्षा में नामांकन लेने के लिए इच्छुक आवेदक जो है दिनांक 19/6/2021 से 28/6/2021 के बीच में जो है वे ऑनलाइन आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। अब इसमें कौन कौन से जो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, बिहार बोर्ड के अलावा जो यहाँ पर CBSE, ICSE एवं अन्य बोर्ड के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन देने के लिए अवसर प्रदान जो है किया जाएगा। चूंकि CBSE एवं ICSE बोर्ड के मैट्रिक 10वीं परीक्षा का परीक्षा फल रिजल्ट अभी तो घोषित नहीं हुआ है, अतः जब भी CBSE एवं ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों का परीक्षा फल जारी किया जाएगा, तब CBSE एवं ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का यहां पर अवसर दिया जाएगा। क्रिया समाप्त होने के बाद प्रथम चयन सूची फर्स्ट यानी कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है जारी किया जाएगा, अर्थात CBSE एवं ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों को भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों की भांति ही प्रथम चयन सूची यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन लेने का अवसर भी यहां पर प्रदान किया जाएगा बिहार बोर्ड द्वारा। तो यहां पर जो है आप लोग का जो मैं डेट बता दिया, उसी डेट के अंदर जो आप लोग को आवेदन करना है। और फिलहाल में CBSE एवं ICSE का रिजल्ट जो नहीं आया है, उसके लिए यहां पर बिहार बोर्ड ने यहां पर जो आप लोग को अवसर देगा, तो आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अभी इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना फीस लगेगा, आप लोग इस वेबसाइट पर आकर आसानी से जो आप लोग देख सकते हैं। मैं बताऊंगा तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग आसानी से जो यहाँ पर आकर आप लोग सारा का सारा पोस्ट जो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड ने आप लोगों के यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो यहाँ पर तोहफा दिया है कि बोर्ड ने 3 संकाय में दी भरपूर सीटें, सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आसानी से मिलेगा यहाँ पर प्रवेश। इंटर में इस बार नामांकन के लिए 17,02,000 सीटें जो यहाँ पर रखी गई है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से जो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं बताऊंगा तो ये काफ़ी जो है लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग को इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप जो आप लोग को करके मैं लाइव प्रूफ के साथ में वीडियो बनाकर आप लोग के बीच प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।